हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर पैटर्न अब देखो आप बोलोगे कि भैया ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है अब देखो कुछ सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट है कि भैया एग्जाम में पेपर कैसा आएगा जैसे कि हमने पिछली बार तो ऑब्जेक्टिव दिया था तो क्या इस बार भी हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे या फिर किस तरीके से पेपर होंगे हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक सबसे बड़ा डाउट कि क्या भैया ये फाइनल में एड होगा ये

ऐसे करके आपका ओवरऑल जो पेपर रहेगा वो रहेगा हंड्रेड मार्क्स का ईच सब्जेक्ट ठीक है पर सब्जेक्ट के हिसाब से ही रहता है कि हर एक सब्जेक्ट का हंड्रेड नंबर है, है, मतलब मतलब है कि स्कूल की तरफ से कि आपके स्कूल सेंड करेगा कि हाँ भैया ट्वेंटी भेज दो टेन भेज दो अभी क्या किया जाएगा कि आपके जो टर्म वन है जो कि अभी होने वाले हैं फिर आप इसको हाफ ईयरली बोलते इसके मार्क्स इंक्लूडेड होंगे और इसी के साथ में आपके जो यूनिट टेस्ट होते रहते हैं उनके मिलाकर के टोटल इनके टोटल मिलाकर के ट्वेंटी मार्क्स रहेंगे अब जैसे कि अगर मान लो कि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि वो टर्म वन में या फिर हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो टीचर पता है क्या एक्शन लेंगे इस केस के अंदर टीचर एक्शन ये लेंगे कि उसके ट्वेंटी में से ट्वेंटी भेजने की जगह पर वो क्या करेंगे कि उसको सिक्सटीन या फिर फिफ्टीन मार्क्स दे देंगे क्योंकि ऐसा करने से ये होता है कि जैसे कि अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो मतलब वो पहले से बोल देंगे कि हाँ स्टूडेंट एवरेज तो इसलिए नहीं कर पाए अगर वो ट्वेंटी में से ट्वेंटी भेजते हैं तो वहाँ पर टीचर को प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए आपका ये जो ट्वेंटी मार्क्स ही आप

और उसी के साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो क्वेश्चन बैंक है जैसे कि आप सी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा वहां पर जाकर के आप इनको देख सकते हो जिससे कि आपको एक्जैक्टली exactly आइडिया लग जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन पूछे जाते सी बी में और साथ ही में जो भी आप चैप्टर करो जैसे कि अगर आप चैप्टर वन कर रहे हो तो चैप्टर वन के सबसे पहले तो एन पढ़ लेना और उसी के साथ में उसके क्वेश्चन एन के क्वेश्चन और लास्ट के अंदर पी ये बस तीन चीजें हर एक चैप्टर के लिए कर लेना फिर उसके बाद में आपको फुल में से फुल मार्क्स लाके कोई भी नहीं रोक सकता आपके ही 100 परसेंट फुल में से फुल आने वाले अब देखो ये जो पेपर है इस पेपर के अंदर आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अभी देखो यहाँ पर ये साइंस का मैंने सैम्पल पेपर बना रखा है इसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप इसको कंप्लीट देख सकते हो ये पेपर ही है साइंस का क्या है ये है एग्जैक्टली exactly पेपर है साइंस का जो कि काफ़ी सारे जगह के ऊपर मैंने देखा तो उनके क्वेश्चन से रिलेटेड है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये पूरा देखना अब देखो इसमें जो सेक्शन ए है सेक्शन ए के अंदर दस से बारह क्या होगा दस से बारह क्वेश्चन आएंगे दस से बारह क्वेश्चन कैसे आएंगे ये क्वेश्चन आ सकते हैं एम सी क्यू बेस्ड आ सकते हैं अब एम सी क्यू भी हो सकता है या फिर इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो इन दोनों के लिए आपको रेडी रहना होगा एम सी क्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अगर एम सी क्यू आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा और आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे तो इन दोनों के लिए रेडी रहेगा सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम ये वन मार्क का रहने वाले हर एक क्वेश्चन इसमें देन फिर इसका में जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा जो कि आप लोगों को देखना होगा वो होगा यहाँ पर सेक्शन बी अब देखो सेक्शन बी जो है सेक्शन बी के अंदर टू मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोग के पास में रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर की आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है अब कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कितना लिखना होगा जैसे कि अब ये टू मार्क्स का है तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है मात्र दो पॉइंट लिखना है दो पॉइंट लिखना है उसके लिए आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इसमें चार पॉइंट लिखो या फिर पांच पॉइंट लिखो जब भी आपको दो ही नंबर मिलने वाले है तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको पॉइंट्स में लिखना है सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट काम के लिख दो और फिर उसके बाद में उसको छोड़ दो ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कोई ज्यादा आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलने वाले इसकी वजह से ठीक है देन फिर इसका हमने हम चलते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए अभी डायग्राम कहाँ से आ सकते हैं देखो एक तो डायग्राम जो है वो आपका लाइट वाला चैप्टर है लाइट वाले चैप्टर से एग्ज़ाम में डायग्राम आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो इमेजेस हैं लेंस के थ्रू या फिर मिरर के थ्रू उनसे पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है तो डायग्राम वहाँ से हो गया फिजिक्स में और उसी के साथ में बायो के अंदर भी डायग्राम आ सकते हैं तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आपको स्मार्ट पे के अंदर स्टडी करनी है क्या आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास में सेक्शन रहेगा वो रहेगा सेक्शन सी अब देखिए सेक्शन सी क्या है सेक्शन सी सिंपल सी है कि यहाँ पर आप लोगों को जो नंबर हैं वो मिलने वाले हैं तीन नंबर अब तीन नंबर का मतलब ये हो गया कि आपको एग्ज़ाम के अंदर इसको लेकर के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने आपको इसको लेकर के कितने पॉइंट्स लिखने होंगे तीन से चार पॉइंट सफिशियंट रहेंगे अब फिर चाहे से वो साइंस हो या फिर उसके साथ में वो एस एस टी हो या फिर उसके बाद में वो मैथ्स हो बस तीन पॉइंट लिखना ज़रूरी है और उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि अभी इसके अंदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन है इसके अंदर अगर ये तीन नंबर में पूछना होता तो ये पैराग्राफ में पूछते लेकिन इन्होंने ऐसे कर दिया कि इसका एक नंबर है और इसका एक नंबर है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इसका एक नंबर है और ये जो लास्ट वाला है इसका एक नंबर है तो ओवरऑल करके इनके तीन नंबर हो गए इस तरीके से स्प्लिट करके पूछा जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता बहुत ही आसान बहुत ही ज़्यादा सिंपल आता है जिसको कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा जिसको कि हम लोग कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर जब पूछे जाते हैं तो बच्चे गलती ये करते हैं जैसे कि अगर ए बी और सी अभी हमने तीन सेक्शन देखे ये चार सेक्शन है ठीक है अब इनमें से बच्चे क्या करेंगे पेपर पेपर सेक्शन ए तो वो क्या करते सेक्शन ए करेंगे बी करेंगे फिर में सेक्शन सी करेंगे और लास्ट के अंदर अगर सेक्शन डी बच जाता है तो दो से तीन क्वेश्चन इसके छुट जाते हैं अब अगर मान लो कि तीन क्वेश्चन छुट गए तो यहां पर जो लॉस होगा वो होगा फिफ्टीन मार्क्स का लॉस होगा तो भैया अब क्या करे अगर हमसे मतलब पेपर ना छुटे तो इसके लिए क्या करे तो देखो इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताता हूँ वो ये है कि

ट करना है जिससे कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए और अब ये जो क्वेश्चन है जैसे कि फाइव मार्क्स के आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं तो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको एक एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन करो कि ये सब ऐसा कभी भी नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उसको पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करा जाएगा जैसे कि कहा जाएगा कि इसके चार पार्ट या फिर पाँच पार्ट कर दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि उसको एक इंडिविजुअली एक्सप्लेन करो अब जैसे कि ये थर्टी वाला क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया ये कि सबसे पहले तो आपसे ये दिया हुआ है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी तो ये जब आप अरेंज कर दोगे

सारे बच्चों की गलतियाँ ये होती हैं कि वो जाते क्या करते हैं रीडिंग सेक्शन को अटैम्प्ट करते हैं क्या करते हैं रीडिंग को अटैम्प्ट करते हैं और फिर उसके बाद में वो करते हैं राइटिंग को और फिर उसके बाद में वो करते हैं यहाँ पर लिटरेचर को अब ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में काफ़ी सारे बच्चों का क्या होता है कि उनका पेपर छूट जाता है लास्ट में लिटरेचर वो सॉल्व भी नहीं कर पाते कई कई ऐसा क्यों होता है ऐसा ध्यान से समझना मैं लॉजिकली बातें करता हूं इलॉजिकली बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँ रीडिंग के अंदर क्या होगा रीडिंग के अंदर आपके पास में रहेगा एक पैसेज क्या रहेगा एक रहेगा पैसेज जिसके अंदर आपको देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन हैं क्वेश्चन को आपको देखना है और फिर उसके बाद में उन क्वेश्चन को करना फिर सेकेंड आपके पास में रहता है राइटिंग और ग्रामर वाला पार्ट है इसके अंदर आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे कि आपको पता है कि यार एक तो लेटर आएगा ही आएगा ठीक है एक लेटर आने वाला है और उसी के साथ में एक स्टोरी राइटिंग आएगी और एक ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह जो वो कि आपको पता है कि ये सब तो आने कन्फर्म और लास्ट में आती है लिटरेचर अब लिटरेचर के अंदर बच्चा घर से पढ़ के जाता है क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि यार इस चैप्टर में ना यहां से क्वेश्चन आएगा और आपको बस उसको जाकर के अपनी लैंग्वेज के अंदर हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता है अब आप खुद सोच के देखो कि एक तो उसके अंदर आप टाइम लगा रहे हो जिसके अंदर कि आपको पता ही नहीं है कि पैसेज में है क्या फिर आपने उस पैसेज को पढ़ा फिर उस क्वेश्चन को पढ़ा फिर से वापस उस क्वेश्चन को पढ़ा तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपका टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा करीब करीब इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा एक घंटे से डेढ़ घंटा लग जाता है जब अगर बच्चे की प्रैक्टिस नहीं होती और बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस नहीं होती जिस वजह से वो ये बोलते हैं कि भैया हम तो रीडिंग में ही रह गए हम तो आगे पेपर ही पूरा नहीं देख पाए तो एक गलती इसलिए होती है तो भैया अब इस गलती का आप ही बताओगे या फिर कोई और बताएगा तो देखो मैं ही बताता हूं इसका जो उपाय है वो ये है कि आपको सबसे फर्स्ट तो एक काम करना होगा कि यहां पर जो आपकी स्ट्रेटजी है इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा चेंज ये करना है कि लिटरेचर को फर्स्ट अटैम्प्ट करना है फिर उसके बाद में राइटिंग जो है इसको सेकेंड अटैम्प्ट करना है और थर्ड अटैम्प्ट करना है आपको इसको रीडिंग को रीडिंग को सबसे लास्ट में ही अटैम्प्ट करना अगर स्टार्टिंग में जाते ही रीडिंग के पीछे लग जाओगे तो पेपर छूटने के चांसेस हैं और उसी के साथ में रीडिंग को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो देखो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी जब जा कर के ही आप इसको सीख पाओगे तो इसकी प्रैक्टिस करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और जो आप लोग का इंग्लिश का पेपर है हाफ ईयरली का वो भी मैंने अपलोड कर दिया और उसी के साथ में साइंस का भी अपलोड कर दिया है और अगर आपके किसी की डिमांड हो तो वो बताइएगा और ये सब का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर के आप देख सकते हैं अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो उसी के साथ में शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में